देश के लिए, हम नहीं बनना। आज देखते ना कई लोग, हिंदू आदमी मर जाता तो चार लोग कंधे पर लेकर जाते, मुस्लिम भाई कोई मरता तो डोली में बंद करके ले जाते, क्रिश्चियन भाई कोई मरता तो पेटी में बंद करके ले जाते। राजनीति में बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, कुर्सी में बैठकर जाना चाहिए। इसके कारण ये देश की हालत बन गई, सेवा भाव नहीं रहा, बलिदान की याद नहीं रही, इसके कारण ये देश की हालत बन गई। ये बदलना है आपको, हमें, आप और हमें बदलना है, असंभव नहीं है। कितने गांव है, अभी स्वामी जी कह रहे थे 6 लाख गांव का ग्राम सभा का सुझाव लेना, 6 लाख गांव, और देना है राष्ट्रपति और पंत प्रधान, उनके सर पर गठड़ी संभालो। एक तो लोकपाल लाओ या काला धन लाओ, तब ये गठड़ी निकाल दो। ये तो अभी मेरी सभा चल रही महाराष्ट्र में, 36 डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट में मेरी सभा हो गई, और कल आधा से मैं इधर आ गया, क्योंकि बाबा को मैं वचन दिया था मैं आ जाऊंगा, नहीं तो कई लोगों ने फिर लिखना था बाबा और अन्ना में मतभेद। ये हमारे में मतभेद नहीं होते, कई लोग मतभेद करने का कोशिश करते हैं। तो ये हो सकता है, सिर्फ मेरी विनती है कि 6 लाख गांव है देश में, हम सब गांव के कार्य करते हैं। एक कार्यकर्ता ने एक गांव लिया, कितने आबादी है, 121 करोड़, उसमें से सिर्फ 6 लाख कार्यकर्ता चाहिए, सिर्फ 6 लाख बस। अगर 6 लाख कार्यकर्ता ने यह सोचा कि मुझे एक दाना बनना है, जमीन में जाने वाला, तो यह देश बदलने में समय नहीं लगेगा, सिर्फ 6 लाख। अरे नहीं गए जमीन में, क्या क्या करेंगे, जमीन में नहीं गए क्या करेंगे जीवन में, लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, आगे क्या। एक करोड़पति था उसकी जयंती मना रहे, किसी ने सुना, हमारे देश में एक करोड़पति था उसकी जयंती मना रहे। अरे लखपति बनो नहीं करोड़पति बनो, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, औरों के लिए मरने वाले, देश के लिए मरने वाले लोग जिंदे है। जो देश के लिए मरते हैं वो हमेशा के लिए जिंदे है, खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते है, इतिहास है। इसलिए मेरी विनती है 6 लाख युवक, 6 लाख लीडरशिप, एक गांव में एक, जैसे हम ये प्रयोग किए हैं, एक एक गांव में एक एक लीडरशिप, इतना शानदार गांव बन रहे हैं, वो काम हमें करना है। समय के कारण मैं ज्यादा ना कहूंगा, आप हमें एक महसूस हो गया, आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है, इसलिए दोपहर को इतना धूप था, इतनी गर्मी थी, फिर भी मेन रोड तक पब्लिक धूप में बैठे थे, धूप में बैठे हैं, तो इसका मतलब है दूसरी लड़ाई के लिए अभी बैटरी चार्ज हो गई हमारी सबकी, अभी लड़ते रहेंगे, अभी चार्ज हो गई बैटरी। आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, और रुक जाता हूं। भारत माता की वंदे, इंक्लाब। बैटरी पहले से चार्ज थी, और आदरणीय अन्ना हजारे जी को सुनकर 121 करोड़ लोगों की बैटरी चार्ज हो चुकी है, पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनकर 121 करोड़ लोगों की बैटरी चार्ज हो चुकी है। लुटता हुआ वतन देखकर खून जिसका खोला नहीं, लुटता हुआ वतन देखकर खून जिसका खोला नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की है। कर्ज इस माटी का चुकाए बिना जो ढल जाए, कर्ज इस माटी का चुकाए बिना जो ढल जाए, बताओ साथियों वो जवानी किस काम की है। आइए अपनी जवानी को अपने देश पर आहूत कर दें। और भाइयों और बहनों, पूज्य स्वामी जी महाराज जब काला धन लाने की बात करते हैं तो सरकार के लोग कहते हैं कि ये संभव नहीं है,
भाइयों और बहनों, दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो काला धन वापस लाए हैं। नाइजीरिया अपना 522 मिलियन डॉलर, पेरू 180 मिलियन डॉलर, फिलीपींस, जाम्बिया, अमेरिका, जर्मनी, ट्यूनिशिया, पाकिस्तान जब अपना धन ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते। आइए, काला धन वापस कैसे आएगा इसको जानने के लिए, पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद के लिए, पूज्य स्वामी जी महाराज को आमंत्रित करने के लिए मैं मौलाना रिजवी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें और पूज्य स्वामी जी महाराज को आमंत्रित करें। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ मौलाना साहब का अभिनंदन। दोस्तों, मैं सुबह बोल चुका हूं आपके दरमियान, आपने साबित किया है कि मौसम की गर्मी कम थी और खून की गर्मी ज्यादा थी। मैं देख रहा हूं मेरे दाहिने बाएं आगे पीछे जवानों का मजमा है और ये सारे के सारे उठते हुए हाथ दिल्ली में हुकूमत करने वाले को बता रहे हैं कि हमें मजाक मत समझना वरना तुम्हारे साथ मजाक हो जाएगा। देखिए, हम चूंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, हर आदमी की इंडिविजुअल ज़हनियत होती है, बात करने का अपना तरीका होता है। स्वामी रामदेव जी महाराज चूंकि एक आध्यात्मिक गुरु हैं और उनकी बातों में, उनकी वाणियों में ये चीज आपको, ये खुशबू आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए हमने कहा कि हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। ये बात कहने के पीछे हमें किसी की बात के खिलाफ बात नहीं करना, हम देश के लिए खड़े हैं। हमारा मतभेद तो हो सकता है, मन भेद नहीं हो सकता। यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। मेरे बड़े भाई अन्ना हजारे जी जो कयादत कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई स्वामी रामदेव जी जो कयादत कर रहे हैं, उनकी इजाजत से मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हारी कश्ती में टिकट लेके कोई बैठा हो और उसने अपनी कुर्सी के नीचे बीच दरिया में सुराख करना शुरू कर दिया हो, क्या करोगे? उसे समझाओगे? डांटोगे? नहीं माना तो ये कह के उतार के फेंक दोगे कि डूबना है तो अकेला डूब, मेरी कश्ती को क्यों डुबाता है? यह आंदोलन यही ऐलान करता है हिंदुस्तान में, सियासत की दुनिया में, हिंदुस्तान की खिदमत करने वालों के लिए कि अगर कोई कहीं बैठकर अपनी कुर्सी के नीचे सुराख कर रहा है तो मेरे लिए वो मेरी धरती के नीचे सुराख है। याद रखो, अगर कोई मेरी कश्ती को नुकसान पहुंचाएगा हम उसे डुबा देंगे लेकिन कश्ती को डूबने नहीं देंगे। अभी नारा लगेगा, मैं आखिर में नारा लगाऊंगा, बस दो बातें मेरी सुन लो। भाई कह रहे हैं चार बातें। याद रखो, रामदेव को कुदरत ने अच्छी जिंदगी दी है, मेरे इज्जत मां भाई को कुदरत ने जीने का अच्छा सलीका दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि ये 45-48 डिग्री की गर्मी में हजारों लोगों को लेकर जंतर मंतर पे बैठ जाए। मुझे बताओ, ये सच है, ये सच है कि अगर एक साधु किसी को घूसा मार दे तो कहा जाएगा साहब ये गलत बात है। लेकिन मुझे बताओ, अगर किसी बहन की इज्जत लूटी जा रही हो और लूटने वाले को साधु घूसा मारे तो ये घूसा सही है कि नहीं है? जवाब दो मुझे। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि साधु घूसा क्यों मार रहा है? मेरी देश की अस्मिता लूटी जा रही है फिर भी साधु साधु रहे और घूसा ना मारे? हमें नहीं चाहिए ऐसा काला कपड़ा, ऐसा गिरवा कपड़ा, ऐसी जबान, ऐसा मिजाज कि जहां अदब तो दिखाई दे लेकिन बाकी मोहब्बत दिखाई ना दे। हमें चाहिए तो ऐसा जहन चाहिए, ऐसी फिक्र चाहिए, ऐसी ज्वाला चाहिए, ऐसा खून चाहिए
जो अगर चले तो देश के लिए चले, धड़के तो देश के लिए धड़के, बोले तो देश के लिए बोले। आप मुझे इंसाफ से बताओ, मंच पर बैठे हुए इतने लोग बैठे हैं, मैं कल बरुशायद दावा करता हूं इस देश को सेकुलरिज्म की इतनी जरूरत नहीं है जितनी नेशनलिज्म की जरूरत है। से सियासत मदारों ने सेकुलरिज्म के तावे पे अपनी सियासत की रोटियां सेकी हैं। अल्लाह के वास्ते मान जाओ हिंदुस्तानियों, ये तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, ये तुम्हें काम नहीं देंगे, ये तुम्हारे हाथों को पैसा नहीं देंगे, ये तुम्हारे कदमों को मंजिल नहीं देंगे, ये तुम्हारे हाथों में ना कलम देंगे ना तलवार देंगे, ये तुम्हारे मुंह को जबान और जुमले नहीं देंगे, ये कुछ भी नहीं दे सकते। इनसे मत मांगो, इस धरती से मांगो, धरती से मांगो, धरती से मांगो। और यकीन जानो, धरती को एक दोगे तो धरती तुम्हें 70 देगी, 700 देगी, 7000 देगी। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। इस देश को नेशनलिज्म की जरूरत है। इस देश में ऐसा मुसलमान चाहिए, ऐसा हिंदू चाहिए, ऐसा वाल्मीकि चाहिए, ऐसा दलित चाहिए जो अपनी रोटी पे नहीं नाश करता हो, हिंदुस्तानी रोटी पे नाश करता हो। मैं आखिर में नारा लगाऊंगा, जवाब देना और अपनी बात खत्म कर दूंगा। याद रखो, ये एक सन्यासी का प्रोग्राम है और सन्यासी पहले ही कह चुका है, मेरे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आगे करोड़ों की आबादी मेरा इंतजार कर रही है। और बस अगर तुम्हारी मोहब्बतें साथ हैं तो यही खत्म करता हूं, अपने हाथों को बुलंद करो। और एक बार मैं कहता हूं हिंदुस्तान, और तुम्हें हाथों को हाथों से मिला के, कदमों को कदम से मिला के, मिजाज को मिजाज से मिला के, अपनी जगह खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस टीवी के माध्यम से और ये 100 चैनल के माध्यम से मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, कलबेरु शहीद का ये जुमला याद रखना, पूरी दुनिया में जिंदगी के नाम पे जीने वाले इतने लोग नहीं है जितना भारत में भारत के नाम पे मरने वाले लोग हैं। योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, संस्कृति एवं संस्कारों का अग्रदूत योग संदेश, सामाजिक व आध्यात्मिक आंदोलन, भारत स्वाभिमान के विचारों का संवाहक योग संदेश, विचारों की क्रांति की मशाल योग संदेश मासिक पत्रिका स्वयं पढ़ें तथा दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। हिंदी सहित 11 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित। आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालयों, पतंजलि आरोग्य केंद्रों व बुक स्टॉलों से खरीदें योग संदेश। आस्था जीवन का आधार। योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, संस्कृति एवं संस्कारों का अग्रदूत योग संदेश, सामाजिक व आध्यात्मिक आंदोलन,